भाजपा सरकार, क्या सरकार नारे पे विश्वास करती है? क्या सरकार जुमले पे विश्वास करती है? क्या सरकार अपने उन जुमलों पे विश्वास करती है जिससे भ्रमित करती है किसान को, आम लोगों को, गांव के लोगों को? क्या सरकार इसमें बात करती है? अच्छा, जुमले की बात करें तो जुमले में कहीं ना कहीं आप लोग तो फंस गए थे ना, दो बार उनको चुनकर भेजे, तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं कि आएंगे 2024 में, और भी जो पांच राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या अफसोस नहीं होता है कि दो बार आपने उनका चांस दिया, तीसरा बार भी देंगे चांस? देखिए, ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आम लोगों में अवेयरनेस की कमी रही, नो डाउट। हम उस वक्त वो काम नहीं कर पाए जो काम आज कर रहे हैं हम। ये आंदोलन पहली बार 1907 में हुआ, किसानों का ही मुद्दा था, वो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ, 9 महीने चला वो आंदोलन। हम उसी आंदोलन को दोबारा कोशिश कर रहे हैं दोहराने की। क्यों? उस आंदोलन में भी जमीन की बारी थी, उस आंदोलन में भी हमारे ईमान की बारी थी, उस आंदोलन में हमारे भारत माता की भूमि की बारी थी, इस आंदोलन में भी उन्हीं तीनों चीजों की बारी है। इस आंदोलन में वही मुद्दा है, वही इश्यूज है, जिस इश्यूज पे हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आपने सवाल पूछा, दोनों सवाल आपका बहुत वाजिब था, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जैसे लोग पत्रकारिता के लायक हैं, आप जैसे लोग उन मीडिया से बहुत बेहतर हैं, और मैं आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ। जिस तरह आप लोग इस आंदोलन पे, आम लोगों के मुद्दे पे, ग्राउंड लेवल पे जो आप काम करते हैं, वो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, सरकार की रणनीति पहले दिन से बिल्कुल साफ रही है। सरकार की रणनीति पहली क्या है? झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, परजीवी शब्द यूज किया प्रधानमंत्री जी ने, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो जो पोस्ट है उनका प्रधानमंत्री का, संविधान में ही बहुत सम्मान है, हमारे दिल में ही बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री शब्द का। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या खुद का सम्मान करना भूल गए? क्या प्रधानमंत्री जी को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा? क्या शब्द का वो कंट्रोल करना नहीं जानते? क्या उनको अपने शब्द के अंदर कंट्रोल नहीं है? जो किसान 80% किसान प्रधानमंत्री को पिंक पैंथर पार्लियामेंट में भेजती है, प्रधानमंत्री बनाता है, उस किसान को प्रधानमंत्री परजीवी बोलते हैं? सरकार को सोचना होगा, उनके मंत्री को सोचना पड़ेगा। उनके मंत्री जेपी दलाल क्या कहते हैं? 250 लोग यूं ही घर में मर जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। शेम है, एक मिनट। और कौन चीज है, आप सब में नौजवानों की बात कर रहा हूँ, आप इतना गमछा लगाए हुए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जॉब की आपको मिला है? जॉब बड़ी एक मतलब की समस्या आ रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसान का भी खेती प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। तो क्या आप सोच रहे हैं कि अपनी घर की जमीन बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे आप? देखिए, हमें तो अब ऐसा फील होने लगा है कि हम जो अंग्रेज जो थे, जो हम पे शासन करते थे जिस तरीके से, आज भी हमें वही शासन लग रहा है कि हमारे ऊपर लागू हो चुका है। जनता को बोलने का हक खत्म हो चुका है। सरकार को कहना है कि नहीं भाई, तो साइकिल से चलना है तो साइकिल से ही चलना है व्यक्ति को, तो साइकिल से चलना ही पड़ेगा, पेट्रोल तो इतना पहुँच ही गया। मेरा कहने का मतलब इतना है कि हमारे अधिकार छीनते जा रहे हैं। हमें भी दुख की बात है, हमारा कृषि प्रधान देश है, और कंट्रीज जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देती हैं, सपोर्ट करती हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है। और दूसरी चीज़, हम लोग खालिस्तानी बोला जाए, कहाँ से हम खालिस्तानी दिख रहे हैं, हम कहाँ से आतंकवादी दिख रहे हैं? जैसे आप जैसे ही नौजवानों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सोशल मीडिया के थ्रू फॉलो किया, लाइक किया, कमेंट किया, दो बार चांस दिया, और आज जैसे देखा जा रहा है सोशल मीडिया को भी गाइडलाइंस आई है, क्योंकि आवाज़ मुखर आवाज़ सोशल मीडिया के तरफ से जाता है, तो ऐसे जबकि जो यूज एंड थ्रो का पॉलिसी जो अपना रहे हैं कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उस पर युवाओं के क्या रिएक्शन है, जो कि आपकी आज़ादी को रोकने की कोशिश हो रहा है? देखिए, युवाओं की आवाज को ये सरकार दबाना चाहती है। भाई साहब ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात की थी, लेकिन इस सरकार ने दिशा द्रव्य जैसे एक्टिविस्ट को, इन्होंने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को जेल में भरने का काम किया। ये सरकार बेटी डराओ और बेटी सताओ का काम करती है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा अपराधी साध्वी प्रज्ञा के जैसे 116 लोग इस संसद में बैठे हुए हैं। जो सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म कर देते हैं, वो न भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, न देश के विकास की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करती है, और आईटी सेल के द्वारा जनता के अंदर भ्रांतियां फैलाने का काम करती है। ये देश में तोड़ने का काम कर रही है सरकार, और ये युवा कभी चुप नहीं होगा, क्योंकि आप कितनी भी जेलों में बंद कर लें, भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है, और ये धमाका इस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है, और ये पांचों राज्यों के किसानों का भी, जो पूरे देश का आंदोलन है, ये पांचों राज्यों से सीधा संकेत जाएगा सरकार को।
और देखिए सरकार को ये मैसेज भेज रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो तस मस नहीं हो रही है, जैसे कि सीए पोर्टेस हो रहा था, एनपीआर का पोर्टेस हो रहा है, एनआरसी का हो रहा, सेम टू वैसा ही हाल ये भी इसका भी हो रहा है। क्या करना चाहेंगे आप लोग, किस हद तक जाने की कोशिश है? और जबकि रोजगार की बात किया जा रहा है, तो अगर कोई रोजगार पर बात करता है, ट्विटर चलाता है, तो वो जेल में जाता है। क्या अभी जेल में जाने से डरते हैं या रेडी? सरकार अगर हमें डालती है, हम वेलकम करते हैं सरकार का, हमें ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम पिछले बार भी गए, इस बार भी जाएंगे, स्वागत करेंगे हम सरकार का, सरकार के जेलों का, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो जब बात आती है आपकी वजूद की, आपके एग्जिस्टेंस की, आपके आने वाले बच्चों की, आपके पूरी जिंदगी की, आपके आने वाले फ्यूचर की, तब डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। तमाम युवाओं से हाथ जोड़कर मैं नम्र निवेदन करता हूँ, भाइयों जाग जाओ आप, अगर आप नभी नहीं उठे तो आपको उठने का मौका नहीं देगी सरकार। सरकार की जो रणनीति बिल्कुल साफ है, सरकार ने जितने आंदोलन हुए उस सारे आंदोलन में जितने शासन प्रशासन बल प्रयोग किया, वही सारा खेल इस आंदोलन में भी सरकार की, कुछ नया नहीं कर रही है, समझने वाली बात है। सरकार ने पिछले आंदोलन में भी यूपीए का प्रयोग किया, सरकार ने पिछले आंदोलन में 24 ए राजद्रोह का प्रयोग किया, जो दिशारवी में हुआ आपने देखा, धर्मेंद्र राणा ने साफ साफ बोला सरकार के गलत कामों के खिलाफ बोलना कोई राजद्रोह नहीं बनता, केस साफ साफ बोला, हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन आपने सवाल किया बेरोजगारी पे, आपने सवाल किया सरकार के उन खेलों पर जिसपे हमें बोलना बहुत जरूरी है, और आपसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कुछ टाइम दें ताकि मैं अपने तमाम ऑडियंस को और तमाम लोगों को बताना चाहूंगा सरकार के खेल क्या है, सरकार आखिर चाहती क्या है, सरकार मापदंड बेट का जो प्रयोग कर रही है इस आंदोलन के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बोलना चाहूंगा यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं, यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए ऐ शहर के बाशिंदों, हम गांव से आए, इसलिए मैं कह रहा हूं। आज हमारे टिकेट साहब ने, राकेश टिकेट साहब ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि आने वाले टाइम में तमाम फसलों को हम पार्लियामेंट में ले जाके बेचेंगे, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, आप जिंदाबाद कह रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, शाम दंड भेड़ सब कुछ से, यूएपीओ एनएसए वो सब कुछ लगाने की कोशिश कर रही है आपको, जैसे ये जैसे कि आंदोलन खत्म होगा तो आप पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, आप खौफजदा हैं या इसी तरह आंदोलन करेंगे? हम अपनी आजादी को हर किद मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये सरकार इन किसान भाइयों को अपना गुलाम बनाना चाह रही है, लेकिन हम इनके बातों में आने वाले नहीं हैं। और रही अब हमारे नौजवानों की बात, बेरोजगारी की बात, मैं आपको बताऊं, हमने एक एक पाई अपनी जो है कष्ट कमाई से जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा खिला पिला, अब सड़कों पे जो है वे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं है, कोई भी उनके लिए रोजगार नहीं है। अब हमारे बच्चे गाना गा रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं? रोजगार हमें इस मोड़ पे ले आया के दिल करे हाय, कोई तो बताए क्या होगा, और भीख के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास, कोई रोजगार नहीं है भाई। चीज है रोजगार, कुछ भक्तगण कहते हैं कि हम तो देश हित में 100 रुपया पेट्रोल खरीद सकते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी 200 का भी पेट्रोल बेचे तब खरीद सकते हैं, राम के जी के मतलब कि इंडिया में पेट्रोल 100 से पार हो रही है, क्या कहेंगे ऐसे भक्तगण जो कि बेकरार हैं 200 भी पेट्रोल खरीदने के लिए? क्या उन भक्त जनों को, इन किसानों का जो ये उपज कष्ट कमाई से अपनी पैदा करता है, वो भी तो देश के लिए करता है, क्या उसको एमएसपी पे नहीं खरीद सकती सरकार? क्या उसमें देश ही दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, ये बताओ आप, हमारी फसल जो हम पैदा करते हैं बड़ी कष्ट कमाई से रात दिन मेहनत करके, अगर हम भी तो देश हित में काम कर रहे हैं, उनका डीजल पेट्रोल जब देश हित में काम आ रहा है तो हम अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करते हैं, वो भी तो देश के ही काम आता है, तो उसे अगर हम एमएसपी पे खरीद ले या उसे उचित दाम दे दे तो क्या परेशानी है सरकार को, ये बताइए आप। -23 पे जब जीडीपी जा चुका है उसके बाद वो कह रहे हैं कि 100 रुपए की आप मतलब 100 रुपए की पेट्रोल की मतलब जो की गई है, और वो कह रहे हैं कि मतलब जो अंधभक्त हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मतलब हम तो खरीदने को तैयार हैं। जरा उनसे ये भी तो पूछो भाई, आप इतने पढ़े लिखे हो, पहले ये तो देखो कि हमारी जो जीडीपी है वो कहाँ पे जा चुकी है। एक सवाल छूट जा रही है, क्या पहले आप मतलब कि इसी तरह का बिहेव करते थे कि जैसे कि बहुत ऐसा है, लोग अब लोग अवेयर हुए हैं, बताऊं आपको, क्या आप पहले मोदी जी को फॉलो करते थे या आप फॉलो छोड़ दिए? हम आपको बताते हैं, हम मोदी जी को पहले फॉलो करते थे, हमने फॉलो किया। कब आपको लगा कि मतलब कि अनभक्ति का सर्टिफिकेट जो सर पर चढ़ा था उसको खत्म करने का? जब इन्होंने जो वादे किए थे ना,
जब उन्होंने वादे किए, बहुत बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख का तो बहुत ही बड़ा वादा था। अमित शाह उस पर बोल रहे हैं, कैदी कैदी जाते हैं, वो भी आपको पता होगा शायद। मतलब अब उस एक भी रोजगार की बोली जितने जुमले थे वो मतलब सब, एक तो वो डिजिटलाइजेशन कर रहे थे, उन्होंने डिजिटलाइजेशन ऐसा किया कि आज हमारे सब जनता ऐसी जागरूक हो चुकी है, तो उनके डिजिटलाइजेशन का हमें बहुत फायदा मिला। मतलब शुक्रिया। तो देखिए भक्तों की बात हो रही है, भक्तों के बारे में क्या, आप भी भक्त पहले की अब भक्ति गिरी छोड़ दी? नहीं देखिए, मैं पहले दिन से जब किसान आंदोलन था मैं देखता रहा, मैं पहले भाजपा का वोटर था मैं, बात ये क्योंकि मैं अयोध्या से आता हूँ, उधर से था। लेकिन ये सरकार जब इतने जुल्म कर रही थी, क्योंकि ये नहीं होता है, अगर हम जानते हैं अगर कोई भी सरकार हमारे ऊपर उत्पीड़न करती हो तो इतना ये ब्रेन वॉश नहीं हो जाना चाहिए। जो ये अंड भक्त है इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उन अंड भक्तों से मैं नहीं हूँ। अगर मैं वही अंड भक्त होता तो शायद किसान आंदोलन को पहले दिन से इस किसान आंदोलन में ना जुड़ा होता। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों से, छात्रों से, सभी से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाइए। नहीं ये सरकार जैसे पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, आज ये सरकार भी हमारे ऊपर शासन करेगी और हमारी आवाज को दबाना चाहेगी, क्योंकि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।